नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ सिंह राशि का मासिक राशि फल दिसंबर सन 2022 को लेकर। कैसी ग्रह गोचर स्थिति बन रही है सिंह राशि के जातकों की इस दिसंबर के माह में। वर्ष 2022 का यह अंतिम माह क्या सौगात लेकर के आ रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए, संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का हम विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा इस दिसंबर के माह में, आर्थिक स्थिति क्या विशेष रहने वाली है, कामकाज नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ तारीखें रहेंगी दिसंबर माह की और कौन सी तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशिफल में करने वाले हैं। मैं राशिफल शुरू करूं उससे पहले आपको यह बता दूं, यह राशिफल चंद्र कुंडली व वर्तमान ग्रह गोचर स्थिति पर आधारित है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली से न देखें। आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कोई सा भी हो लेकिन चंद्रमा 5 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित ही आपकी सिंह राशि बनेगी और यह राशिफल आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे सिंह राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण दिसंबर के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति आपके लिए बन रही है, तो सिंह राशि का स्वामी जो कि सूर्यदेव है वृश्चिक राशि के अंतर्गत सुख भाव में स्थित है। यहीं पर शुक्र और बुध भी स्थित है। सूर्य शुक्र और बुध 4th हाउस में स्थित बने हुए हैं सुख भाव में। शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत आपके लिए 6th हाउस में स्थित है। देवगुरु बृहस्पति 8th हाउस में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मेष राशि के अंतर्गत 9th हाउस भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत 10th हाउस कर्म भाव में स्थित है, जबकि केतु तुला राशि के अंतर्गत पराक्रम के भाव 3rd हाउस में संचरण कर रहे हैं। और चंद्रमा की बात हम अंत में करेंगे। एक स्थिति तो सिंह राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे दिसंबर के माह में। कई ग्रह हैं जो अपने राशियां परिवर्तन करेंगे, तो कौन कौन से वो बदलाव हैं उन पर भी हम एक दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहला बदलाव होगा बुध देव का। 3 दिसंबर को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि को छोड़कर के धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 4th हाउस को छोड़ेंगे 5th हाउस में आकर के स्थित हो जाएंगे। 5 दिसंबर को शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्रदेव भी वृश्चिक राशि को छोड़कर के धनु राशि के अंतर्गत आएंगे, बुध के साथ महालक्ष्मी नामक योग का निर्माण करेंगे। 16 दिसंबर को आपके जो राशि स्वामी है सूर्यदेव वो राशि प्रवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि को छोड़कर के वो भी धनु राशि के अंतर्गत आएंगे। पुनः 3 ग्रहों की तिथि आपके लिए 5th हाउस में बनेगी। 27 दिसंबर को बुधदेव का पुनः राशि प्रवर्तन होगा और बुधदेव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 6th हाउस में शनि के साथ युति बनाने का कार्य करेंगे। तो ये आपकी संपूर्ण दिसंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति है। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कई शुभ अशुभ योग आपके लिए बने हुए हैं। इन सभी शुभ अशुभ योगों के बीच सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो सतर्क सावधान आपको जरूर रहना है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 8th हाउस में स्थित है, शनिदेव 6th हाउस में स्थित है। कहीं ना कहीं आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट हो सकता है। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं और आपका खान पान सही नहीं है तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याएं आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, लीवर से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं, गुर्दों से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ स्थित है तब तक सात्विक आहार ही आपको लेना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की आराधना आपको प्रति गुरुवार को अवश्य करनी चाहिए। केले का पूजन करें, भगवान नारायण के मंदिर में जाकर के कुछ न कुछ पीली वस्तु का दान करना विशेष लाभप्रद होगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना न भूलेगा और अपने खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो स्वास्थ्य के मामले में संपूर्ण दिसंबर के माह में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपके लिए शुक्रदेव जो कि 4th हाउस में स्थित है। 10th हाउस में मंगल देव संचरण कर रहे हैं, सूर्य शुक्र और बुध इन 3 ग्रहों की 7वीं दृष्टि कर्म भाव 10th हाउस पर बनी हुई है, मंगल को देख रहे हैं, तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र में आपके लिए मंगल ही मंगल होने वाला है। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो विशेष मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो सकती है। जो जातक सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, भूमि भवन से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्य से जुड़े हुए हैं, कृषि के कार्य से जुड़े हुए हैं,
निश्चित ही आपके लिए शुभ स्थिति बनी हुई है, लाभदायक स्थिति है। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत व्यस्तता देखने को मिलेगी। जो जातक सरकारी सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लगभग 2 सप्ताह तक सूर्यदेव की सातवीं दृष्टि 10th हाउस पर होगी, तो निश्चित ही आपके लिए राजकीय सम्मान की स्थिति बनी हुई है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम स्थिति बनी हुई है। ऐसे जातक जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, कलाकारी से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी जातकों के लिए भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। प्रथम 2 सप्ताह विशेष लाभ, अंतिम 2 सप्ताह मध्यम लाभ आपके लिए रहने वाला है। बस कार्य क्षेत्र में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो जल्दबाजी करने से बचिएगा और दूसरा सिंह राशि के जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो अपने क्रोध को काबू रखने का प्रयास जरूर करिएगा। अत्यधिक क्रोध करने से भी आपको बचना चाहिए। व्यवसाय वर्ग की बात करें तो व्यवसाय वर्ग के जातकों के लिए भी उत्तम स्थिति बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप इत्यादि में कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने विवेक के अनुसार भी निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। सारा कारोबार पार्टनर पर ही न छोड़े, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी सिंह राशि के जातकों के लिए बनते हैं बुधदेव। बुधदेव 4th हाउस में स्थित है। आर्थिक स्थिति रेगुलर इनकम के हाउस में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। अपने भोग विलास पर आप अत्यधिक खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आपको आर्थिक स्थिति के मामले में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सिंह राशि के जातक हैं तो अत्यधिक खर्चों को करने से आपको जरूर बचना चाहिए। बेफजूली खर्च करने से बचिएगा, अनावश्यक यात्राओं को करने से बचिएगा। ऐसे जातक जो मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, शनिदेव ऋण के भाव में बैठे हुए हैं 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं अचानक से कर्ज आप पर बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति के लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। बात करते हैं चंद्रमा की। तो मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं 6, 8, 12 भाव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का भी कार्य करते हैं। और फलस्वरूप 1 माह के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं आपको तनाव का माहौल देखने को मिलेगा, कलह क्लेश का वातावरण देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से ऐसी तारीखें सिंह राशि के जातकों के लिए इस दिसंबर माह की बन रही हैं, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे शुभ तारीखें। तो तारीख 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26 और 27 दिसंबर सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष शुभ तारीखें रहेंगी, लाभप्रद तारीखें रहेंगी। इन तारीखों में आपको निश्चित ही लाभ अवश्य लेना चाहिए, जबकि 1, 2, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 30 और 31 दिसंबर को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। कुछ विशेष बातें जो सिंह राशि के जातकों को इस दिसंबर के माह में जरूर ध्यान में रखनी है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना न भूलिएगा, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अत्यधिक ऋण लेने से आपको बचना चाहिए, और संभव हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत इत्यादि का पाठ आप अवश्य करें। अपने खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। दिसंबर का माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।